नमस्कार, चक्र ध्यान में आप सबका स्वागत है। एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें और अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कमर को ढीला रखें। अगर आप रेकी या कोई और एनर्जी हीलिंग करते हैं, अपने आप को एनर्जी से चार्ज कर लें। इसके साथ साथ एक प्रार्थना करें। आप जिस किसी में विश्वास रखते हैं, कोई भी गुरु, कोई भी ऊर्जा, कोई भी भगवान, कोई भी शक्ति, आप प्रार्थना करें, धन्यवाद करें आपको ये अवसर देने के लिए, क्षमा मांगे आपकी किसी भी गलती के लिए और जिस किसी से भी आपके प्रति कोई भी अपराध हुआ हो उसको क्षमा करें। अपने को हर चीज से मुक्त करते हुए इस ध्यान की तरफ अपना पूरा फोकस लेकर आए। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, चक्र का रंग लाल और मंत्र लम। 3 मिनट तक हम लम का उच्चारण करेंगे। कोशिश ये रहे कि इसमें जो आखिरी की ध्वनि है, जो की आवाज है, ये ज्यादा देर तक और अच्छी लंबी रहे। हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे 3-3 मिनट के, जो मैं हर बार टाइमर के साथ उसको बंद करके दोबारे शुरू करता रहूंगा। अब शुरू करते हैं पहले चक्र के साथ। चक्र है मूलाधार चक्र, बीज मंत्र लम। अपना ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ फिर से लेकर आए।
और मूलाधार चक्र को पूरी ऊर्जान्वित स्थिति में देखें, एक बहुत ही अच्छे आकार में, बिल्कुल एक कोनिकल शेप में आपके मूलाधार चक्र से धरती की ओर बढ़ता हुआ और बिल्कुल के धरती के गर्भ तक जाता हुआ सारी ऊर्जाओं से मिलता हुआ अपने को इस पृथ्वी की ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित होते हुए देखें और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको बह के पृथ्वी के गर्भ तक जाकर प्योरिफाई होते हुए देखें। इस पृथ्वी का धन्यवाद करें और अब अपना ध्यान अगले चक्र पर लेकर आए, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि से करीब 1.5 से 2 इंच नीचे आगे और पीछे की तरफ ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का बीज मंत्र वाम। अपना ध्यान फिर से स्वाधिष्ठान चक्र की ओर ले गए, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को पूरा ऊर्जान्वित देखें जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, पूरी ऊर्जान्वित स्थिति में एकदम सही आकार में शरीर से आगे की ओर और शरीर से पीछे की ओर, साथ ही साथ एक ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र की तरफ से उसके पास से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा को एक स्प्रिंग की तरह, एक हेलिक्स की तरह गोल घूमते हुए ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में उठते हुए देखें और जैसे जैसे आप अगले चक्र में जाते हैं उस ऊर्जा को आपके चक्र को उजागृत करते हुए कल्पना करें।
सांस लेते हुए सांस को पूरा पेट में भरें और पूरा खाली करें, और याद रखें कि लास्ट की जो वाइब्रेशन है उस पर पूरा ध्यान रखें। अब धीरे से अपना ध्यान अगले चक्र मणिपुर चक्र पर लेकर आए, सोलर प्लेक्सस में नाभि से करीब 3 से 4 इंच ऊपर, जहां पर रिब केज बीच में मिलता है, जो खोखला एरिया है वहां पर, आगे और पीछे की तरफ पीले रंग का मंत्र रम। राम से मणिपुर चक्र की ओर ले जाएं और पूरी ऊर्जान्वित स्थिति में देखें, और एक सुनहरे रंग की ऊर्जा जो मूलाधार चक्र के पास से ऊपर आ रही है, घूमते हुए बड़ी तेजी से शुक्राणा नाड़ी से होते हुए ऊपर मणिपुर चक्र तक उसको अग्रसर होते देखें, पूरे मणिपुर चक्र को लगातार उसको ऊर्जान्वित करते हुए देखें। अगला चक्र अनाहत चक्र छाती के बिल्कुल बीच में, आगे और पीछे की ओर हरे रंग का एमरल्ड ग्रीन चमकदार हरे रंग को पूरे विश्व में एक प्रेम से उजागृत करती हुई ऊर्जा से भरते हुए देखें। बीज मंत्र यम। Yeah.
संदेश भेजते हुए देखे बिल्कुल उजागृत स्थिति में, बिल्कुल सही आकार में, पहले सारे चक्रों से बिल्कुल बराबर संतुलन बनाए हुए, और एक ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बड़ी तेजी से घूमते जा रही है, एक स्प्रिंग की तरह, हेलिक्स की तरह, उसको पूरा अनाहत चक्र तक आते हुए देखे, ऊर्जान्वित करते हुए देखे लगातार। अब अपना ध्यान विशुद्ध चक्र की ओर ले जाएं, गले से आगे और पीछे की ओर हल्के नीले रंग का बीज मंत्र हम हम
शुद्ध चक्र की ओर दोबारे से ध्यान देते हुए उसको पूरा ऊर्जान्वित स्थिति में देखें। जितनी दूर बाकी सारे चक्र को देखा था उतनी दूर तक बिल्कुल एक संतुलित स्थिति में सारे चक्र पूरी तरह ऊर्जान्वित। मूलाधार चक्र के पास से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा घूमती हुई ऊपर को आती हुई सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई अब विशुद्ध चक्र तक पहुंच चुकी है। अगला चक्र आज्ञा चक्र, माथे की ओर से आगे की तरफ और सर की ओर से पीछे की तरफ जाता है, गाढ़े नीले रंग का बीज मंत्र ओम। ओम में अपने को विलीन होने दें, इस सृष्टि के सारे ज्ञान सारी रचना के साथ विलीन हो जाए।
वापस आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और पूरी ऊर्जान्वित स्थिति में देखें एकदम संतुलन के साथ बाकी सारे चक्रों के साथ। मूलाधार चक्र के पास से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा गोल घूमती हुई एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आती हुई सारे चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई अब आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। अब इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र की ओर कल्पना करें। सारी आवाजों को सुने, आपके अंदर की, आपके आसपास की, दूर की, ठंडी गर्मी को महसूस करें। आपकी सोच में जो कुछ भी आता है उसे संपर्क करें। आपकी दिव्य दृष्टि में कुछ भी आता है उसको आने दें। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा के साथ संपर्क करें। अपने सहस्त्रार चक्र को एक 1000 पत्ते की कमल की तरह देखें अपने सर के ऊपर, ब्रह्मांड की हर वाइब्रेशन के साथ संपर्क करते हुए। अब अपने दोनों हाथ अपने छाती के सामने नमस्ते पोजीशन में ले लें। अपने बिल्कुल छाती के मध्य में एक आत्मा रूपी ऊर्जा एक तारे की तरह चमकती हुई बहुत ही ब्राइट बहुत ही चमकदार जैसे कि हजारों सूर्य की ऊर्जा वहां पर हो और ऊर्जा का संपर्क ब्रह्मांड की ऊर्जा से होते हुए देखे। एक ऊर्जान्वित होने का और संपूर्ण संतुलन की कामना करें। अपनी पूरी ऊर्जा को पूरी ऊर्जान्वित स्थिति में और संतुलित स्थिति में देखें और अपने आभा मंडल को बढ़ते हुए देखें। इस कमरे के साइज का धीरे धीरे पृथ्वी के जितना, इस सौर्य मंडल के जितना, आकाश गंगा में विलीन होते हुए पूरे ब्रह्मांड के बराबर अपने आभा मंडल को बड़ा होते हुए देखें। ईश्वर का धन्यवाद करें। ध्यान खत्म करने से पूर्व आपने जिस किसी को भी याद किया था उन सबका धन्यवाद करें। जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे और जिसने भी आपके प्रति कोई गलती करी हो उसे फिर से क्षमा करें। नीरजा
अनुजा और इंदिरा का धन्यवाद करते हुए, आप सबका भी धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने को इस ऊर्जान्वित स्थिति में वापस स्वाभाविक चेतना में आने दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।